वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस दोपहर के बजे है 1:30 और मैं हो गई हूँ रेडी। सारा काम करके मैं जा रही हूँ मम्मी के घर। तो मम्मी के घर जाती हूँ, मम्मी बुला रही है, कंचन के साथ जा रही है, मैं और कंचन दोनों जा रहे हैं। तो बस अब मैं निकलती हूँ घर से और आपको मिलवाती हूँ अपनी मम्मी से। तो गाइस आज मैं बना रही हूँ ये कद्दू की सब्जी, इसको सीताफल भी कहते हैं, कद्दू भी कहते हैं। तो मैंने काट के धो लिया है गाइस, और मैंने छिलके समेत ही इसको काटा है क्योंकि ये बिल्कुल कच्चा था। अगर पीले वाला होता है ना तो आप उसके छिलके उतार सकते हैं। तो ये हरे वाला था तो मैंने इसके छिलके ऐसे ही रख दिए। और गाइस यहाँ मैंने लिए हैं खड़े मसाले, जिसमें राई और आधा चम्मच जीरा और आधे चम्मच से कम मेथी दाने क्योंकि कड़वे हो जाते हैं, और 2 हरी मिर्ची। बस इन सबको डालूंगी इसमें गाइस। पहले ये अच्छे से फ्राई होंगे तो बस मैं इसमें डाल दूंगी ये धुला हुआ सीताफल। तो बस देखिए गाइस अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, और थोड़ी सी धूल हो जाती है, राई ना ऊपर को आती है गाइस। तो गाइस इसको अभी ऐसे ही फ्राई करेंगे थोड़ा सा, और अभी इसमें लगेंगे 5 से 7 मिनट इसको फ्राई होने में। तो साथ साथ मैंने यहाँ हरा धनिया भी काट दिया और सुखा दिया है। तो इसके साथ ही मैं साथ साथ इसमें लगा आटा गूंथती हूँ और रोटी भी साथ साथ बना देती हूँ, और पूजा के पापा को टाइम से लंच भेज दूंगी। तो भाई सब्जी चुनने में ना बड़ी दिक्कत लगती थी, रोज क्या बनाए। ऐसे क्या होता था, कभी ना कभी दालें बन जाती थी, राजमा छोले ये सब तो बंद है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, सीताफल बना देती हूँ, हल्का होता है और खाया भी जाता है। और गाय जो इसमें मेथी का तड़का लगता है बहुत टेस्टी, और एक अच्छी सी जो इसमें खुशबू से आती है ना बनते समय, जब राई और उसका तड़का लगाओ लाल मिर्च का, तो बहुत एक अच्छा सा वो आता है। तो फ्लेवर भी बहुत अच्छा है एक उसमें आता है इसका, मेथी दाने का, जैसे कड़ी में लगाते हैं तो कड़ी में भी एक बिल्कुल अलग सा तड़का हो जाता है। सेम ऐसे ही सीताफल में भी ऐसे होता है। आप चाहे तो जैसे मैंने इसमें लाल मिर्च साबुत और ये सब खड़े मसाले डाले थे, उसके साथ ही आप 2 प्याज लंबे काट के डाल सकते हो, पर मैंने प्याज नहीं डाले क्योंकि मेरे को गोपू जी को भी भोग लगाना होता है। तो मैंने बिना प्याज के बनाया, मैं टमाटर के साथ बनाऊंगी ओनली। तो आप उस टाइम पे 2 प्याज भी डाल सकते हो। प्याज डालने के बाद कच्चे प्याज हो उसके साथ ही सीताफल डाल दो, तो दोनों अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, और ऊपर से डाल दो टमाटर। सीताफल तो देखिए अच्छा सा फ्राई हो चुका है, और अब इसमें डालते हैं चॉप करे हुए, मैंने यहाँ डाले हैं 3 टमाटर गाइस, और इसको अच्छे से करते हैं मिक्स। और इसी के साथ हम इसमें डालते हैं स्वाद अनुसार नमक और आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। तो बस इनको करते हैं अच्छे से मिक्स। गैस का फ्लेम करते हैं हम लो, और यहाँ जो कटा हुआ धनिया है मैं वो भी डाल देती हूँ ताकि इसका फ्लेवर भी पेटे में अच्छे से आ जाए, और इन सबको अच्छे से मिक्स करके। तो गाइस हम इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक के पकाएंगे, और ये अच्छे से मैश हो जाए ताकि, क्योंकि अब इसमें समय लगेगा। तो इसके साथ साथ मैं साइड बाय साइड रोटी भी बना लेती हूँ ताकि सब्जी बनेगी इतने में रोटी भी पूरी तैयार हो जाएगी। तो गाइस मिर्च और धनिया डाला है, सिर्फ पाउडर कुछ भी नहीं डाला, और इसको अच्छे से कर रही हूँ मैश, क्योंकि खड़े खड़े पीसेस में ना अच्छा नहीं लगता, थोड़े थोड़े मुँह में आए, पर थोड़ा बहुत मैश भी कर रही हूँ। तो बस गाइस जैसे कि आप देख रहे हो, ये देखिए बिल्कुल बनने वाला है, ये देखिए। बस 2 मिनट बाद अच्छे से भूनने के बाद गैस की फ्लेम करती हूँ बंद, और टेस्टी सी इजी बिल्कुल सिंपल एंड इजी सीताफल की सब्जी बिल्कुल तैयार है। बस इसके साथ बनाऊंगी रोटी। तो गाइस मम्मी घर से तो आ गए हैं, तो हम बैठे मेट्रो में, कंचन के साथ आ रही थी तो वहाँ पर शूट नहीं करी। मैंने कहा क्या लूँ, तो कोई बात नहीं, भूल भी गई, बातें करने में लग गए ऐसे ही, फिर भूल गए, दिमाग से निकल गया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब दोनों ही हम घर जा रहे हैं, तो कंचन अपने घर चल जाएगी, मैं अपने घर निकल जाऊंगी। तो मैंने कहा चल मेट्रो में बैठ जाते हैं, तो सीट नहीं मिल रही थी मुझे, पर किसी ने दे दी, तो कंचन भी बैठ गई, मैं भी बैठ गई। हाँ, और मेरे ना एसिडिटी हो रही है पेट में, पता नहीं क्यों हो रही है, मुझे भी नहीं पता, इनो लूंगी जाते समय। और वहाँ कुछ भी नहीं खाया गया मेरे से, ऐसे लगता हैवी पेट हो रहा था, तो गैस बन रही है, कुछ खाया नहीं जाएगा, उसकी वजह से हो रहा है। तो गोली भी ली है मैंने मम्मी घर, तो असर कर जाएगी थोड़े टाइम बाद, लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसे ही लग रहा है। इनो भी ले ली? हाँ इनो भी ले लूँगी, अब तो जरूर आई हो बीच में। हाँ आऊंगी, अब एग्जाम हो गए, सब कुछ हो गए, अब तो आऊंगी। हाँ घूम भी आई, सब कुछ कर लिया तुमने, ठीक है अब आऊंगी। अब आ जाइए, स्कूल कब खुल रहे हैं बच्चों के? 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल को ना, तो उसके बाद ही आएगी? हाँ देखो उसके बाद ही लगेगा, अब अप्रैल तो आई गई। हाँ तो उसके बाद आराम से आ जाइए, ठीक है फिर बैठते हैं, ठीक है। पूजा को भी बुला लूँगी, पूजा को भी बुला लूँगी, पूजा को भी बुला लूँगी, दीदी को
दीदी को भी बुला लेंगे, हाँ इकट्ठे बैठेंगे और एक रेसिपी भी कोई ढंग की दी। ठीक है तो गाइस वंदना जी का ना बहुत टाइम से एक क्वेश्चन आ रहा है और मैं ना उसको हर वक्त ऐसा होता है कि वो जवाब देना रह जाता है, तो अभी मैंने देखा आया हुआ था तो मैंने कहा मैं इनको जरूर जवाब देती हूँ क्योंकि हमेशा वो कहते हैं कि आप मेरा कमेंट्स का रीड नहीं करते, तो मैं उन्हीं का कमेंट रीड कर रही हूँ। आपको हार्ट की प्रॉब्लम का पूछा, आपको क्या दिक्कत है, 15 दिन से पूछ रही हूँ, सबका जवाब देते हो, मेरे नहीं किसी की, मेरा नहीं किसी की हेल्प हो जाएगी, कोई बात नहीं मैम। तो वंदना जी मैं आपको बताऊं, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम थी। अब क्या मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ 2.5 साल पहले जो हुआ था ना, मैं आपको पूरी अपनी कंडीशन जो है बताती हूँ। मेरे को शुगर अटैक आया था तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, आईसीयू में वेंटिलेटर में थी। तो उसके साथ क्या हुआ, जैसे ही शुगर अटैक आया ना तो मेरा जो हार्ट का पंप है वो 22 पे आ गया, उसी समय शुगर अटैक के समय आया था। पहले मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी लाइफ के, लेकिन उस समय मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई तो 22 पे आ गया। तो डॉक्टर ने कहा, मेरी दवाइयां चल रही हैं और अभी तक मेरी पूरी, मैं हार्ट की दवाइयां लेती हूँ, लेकिन जो 3-4 महीने पहले है मेरा हार्ट, जो 2 साल के बाद, वो कहते हैं 9 महीने के बाद कवर करता है। तो जो उन्होंने मेरा, मैंने टेस्ट कराया तो उसमें जो हार्ट था वो 50+ हो गया। तो मेरा हार्ट की प्रॉब्लम तो उन्होंने कहा दूर हो चुकी है, लेकिन दवाइयां अभी भी चल रही हैं। तो मुझे ऐसे पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरा शुगर अटैक की वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी, तो एकदम से ड्रॉप मारा था। उस समय क्या होता है, या तो तुम्हारा हार्ट फेल हो जाता है, तो मेरी वो कंडीशन नहीं हुई। मेरा बस क्या हुआ, हार्ट वो कर गया, पंप नीचे कर गया कि मेरा 22 पे आ गया, मेरा था 40 पे, लेकिन अब 40 से भी मेरा 50 पे आ चुका है। तो मैं इस समय हार्ट की परेशानी से नॉर्मल हूँ बट दवाइयां खा रही हूँ। तो मेरे साथ ये कंडीशन थी, तो मुझे नहीं लगता कि, अब मुझे आप बताइए कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, तभी मैं उसके कुछ बता पाऊंगी जो मेरी प्रॉब्लम है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो गाइस एक भूमि जी का कमेंट्स है, मुझे पूरा समझ नहीं आ रहा आपकी मम्मी भोजपुरी लिखा है या भावलपुरी लिखा है, मेरे को पूरा नहीं आ रहा समझ, आप दोबारा इस चीज का जवाब कमेंट्स कीजिए। तो कहाँ से हो आप प्लीज बताओ, मम्मी आपकी कहाँ से है। तो मम्मी जो है ना वहाँ ये मुल्तानी बोलते हैं, आपको वेडिंग से भी समझ आता होगा, जैसे कोई बात होती है तो मम्मी बोलती है, तो मम्मी मुल्तानी ही बोलती है। मेरे को लगा आपने शायद ये कमेंट लिखा है कि भावलपुर से या भावलपुरी बोलती है तो उनकी भाषा से ऐसे लग रहा होगा, तो मम्मी मुल्तानी बोलते हैं। तो मम्मी और ना ये मुल्तानी है, तो वो उनकी भाषा जो है वैसी ही है मुल्तानी में, लेकिन कई वर्ड्स ना बीच बीच में आ जाते हैं तो पता चल जाता है कि मुल्तानी भाषा में बोल रहे हैं। तो गाइस मम्मी के घर से तो आ चुके थे और आके काम वाम किया, सब कुछ किया, खाना बनाया, तो बस बहुत अच्छा लगता है गाइस। मम्मी को भी अच्छा लगता है, मम्मी ना क्या होता है, मम्मी को एक इंतजार होती है, 3rd-4th दिन बाद ना मम्मी कहती है आ जाओ, कोई ना कोई आ जाए, तो कोशिश होती है कंचन और मैं मिलके ही बना लेते हैं प्रोग्राम की, चलो मिलके चल पड़ते हैं। तो कंचन ने कहा चल चलते हैं, वो मुंबई से आए तो उसे लगा था कि मैं मम्मी के पास मिल आऊं एक बारी, तो मैं अभी पीछे जाने से पहले भी मिलके गई थी वो, और आने के बाद दोबारा मिली, तो उसने मुझसे पूछा, मैं तो अभी गई थी 3-4 दिन पहले, तो उसने मुझसे पूछा हेमा तू चलेगी, मैं कहा चल चल पड़ते हैं कोई बात नहीं, मम्मी को भी होता है चलो बच्चे आ जाते हैं तो उनको अच्छा लगता है। बट हम टाइम से घर आ गए थे, कंचन को भी आना था टाइम से घर, क्योंकि उसके बच्चों का है कुछ है, तो वो टाइम से घर आ गई थी। मैंने कहा चल मैं भी चलती हूँ, मम्मी तो कह रही थी, मम्मी कह रही हेमा तू थोड़ा रुक के चली जाइए 7:15 तक, मैं कहा नहीं मेट्रो तक साफ हो जाता है कोई बात नहीं, मैं सुभाष नगर उतरती हूँ, कंचन उतरती है उत्तम नगर, तो मैं उसी के साथ निकल गई। मैं कहा फिर मैं आ जाऊंगी 3-4 दिन बाद, अब 3-4 दिन बाद फिर बनाऊंगी। और पूजा के पापा मुझे यही कहते हैं कि मम्मी ना गाइस हम कहते हैं मम्मी को कि आप ना हमारे आसपास मकान ले लो कि आपको थोड़ी हमारे से वो हो जाएगी। तो अभी मुझे कमेंट्स भी आ रहा था कि यार मम्मी इनकी रहती हैं, तो गाइस मम्मी का पूरा अरेंजमेंट हो रखा है, मैं आपको बताऊं तो मम्मी का क्या है, मेड लगी हुई है, झाड़ू पोछे बर्तन कपड़े वाली फुल मेड लगी हुई है, मम्मी को कोई काम नहीं करना होता, मशीन है दूसरी, तो कपड़े भी सुखने मेड ही डाल देती है, तो मम्मी को ऐसी कोई काम की टेंशन नहीं है, रोटी सब्जी वो पूरा प्रॉपर इनको बना के देती है। तो पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, मम्मी थी दीपू ठीक था तो मम्मी दीपू रह लेते थे, अब हमें लगता है कि अगर मम्मी किसी के घर के आसपास होगी तो मम्मी को भी ये होगा कि टेंशन नहीं होगी। पर देखो हम तो मम्मी को यही कह रहे हैं कि आप शादीपुर छोड़ो, आप या तो उत्तम नगर ले लो या सुभाष नगर ले लो, देखो मम्मी जैसे आगे फैसला करेंगे, अभी तक तो कुछ फैसला नहीं किया, क्योंकि वो शुरू से ना गाइस मैं आपको बताऊं जो हमारे डैडी थे मम्मी थे जब से हम पैदा हुए हम उसी घर में हैं, तो एक होता है ना कि आप काफी टाइम आधी जिंदगी आधी से क्या ज्यादा जिंदगी आप बता लो कि उस घर में मम्मी ने बिताई हुई है, तो मम्मी को इतना आसान नहीं होता और दीपू भी छोड़ना नहीं चाहता, पर हम कहते हैं कि नहीं तुम अकेले हो तुम छोड़ो, तो बाकी देखो आगे मम्मी के ऊपर है, मम्मी जो डिसीजन लेगी, नहीं तो हम क्या करते हैं, हम हफ्ते में 2 बार मैं जाती हूँ, तो पूजा के पापा भी कहते हैं नहीं मम्मी को वेट होती है तू जा घर से, तो मैं कोशिश होती है कि मैं अपनी मम्मी के घर जाऊं और ज्यादा से ज्यादा जाऊं।
तो गाइस आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर, आएंगे मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।